हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाव भाजी बनाने की सामग्री है, आधा किलो आलू है जिसे हमने कट कर लिया है, आधा किलो टमाटर इसे भी हमने कट कर लिया है, 200 ग्राम कटा हुआ बारीक प्याज, 4 चम्मच बटर, 2 शिमला मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, 200 ग्राम फ्रेश मटर, 1 नींबू, नमक स्वाद के अनुसार, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 पिंच फूड कलर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, पानी और 1 लादी पाव। अब हम पैन के अंदर मटर डालेंगे, आलू डालेंगे, टमाटर डालेंगे, 1 ग्लास पानी डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, कवर करके 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। मीडियम आंच पर हमने 20 मिनट तक सब्जी को पका लिया है और अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए, सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे और सब्जी को मैशर से मैश कर लेंगे इस तरह से। देखिए, सब्जी को हमने मैश कर लिया है और अब हम बाउल में निकाल लेंगे। सेम पैन में हम बटर डालेंगे, जीरा डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, आंच को मीडियम रखेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, कटा हुआ बारीक शिमला मिर्च, हल्दी पाउडर, पाव भाजी मसाला। आंच को बिल्कुल धीमी रखेंगे और शिमला मिर्च सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। देखिए, शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गई है और अब इसमें हम डालेंगे मिक्स किया हुआ सब्जी और फूड कलर में हमने 1 चम्मच पानी मिला लिया है। अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, अच्छे से हमने मिला लिया है और पाव भाजी हमारी बनकर रेडी है। गैस को बंद करेंगे और पाव भाजी को दूसरी ओर करेंगे, यहाँ पर पाव को सेकेंगे। तवा गरम हो गया है और पाव के ऊपर हम इस तरह से बटर लगा लेंगे, तवे पर रख देंगे। पाव को हमने सेक लिया है और अब हम गैस को बंद करेंगे और पाव को प्लेट में निकाल लेंगे। पाव भाजी बनकर तैयार है। पाव भाजी की गार्निश धनिया पत्ता से करेंगे और ऊपर से बटर डालेंगे। गर्मा गर्म पाव भाजी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को एक बार आप जरूर बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।